पिछले 19 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और आज पिछले 10 दिनों में कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसके साथ ही आज दिल्ली में पेट्रोल 48 पैसे बढ़ोतरी के साथ 79.99 रुपए हो चुका है और डीजल 52 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 72 के पार पहुंच गया है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी घूमते थे, कहते थे देखो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और आज नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते हैं। आम लोगों की जेब काट के ये सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। We have called upon all our party units to intensify protests on the petrol hikes, petrol and diesel hikes. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप जैसे बताया 3 साल पहले जो बैरल का कॉस्ट था वो आधा से भी कम है, मगर दाम तो वही है। तो ये बहुत आसान बात है कि किसको फायदा मिल रहा है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 1.67 रुपए पर लीटर का इजाफा किया गया है। पेट्रोल 71.26 रुपए पर लीटर हो गया है, लेकिन खास बात यह है कि डीजल के दाम में जबरदस्त इजाफा किया गया है। 7.10 रुपए का डीजल के दाम में इजाफा किया गया है। भारी बढ़ोतरी की गई है डीजल के दामों में और दिल्ली में डीजल अब 69.39 रुपए पर लीटर मिलेगा।